चूरन बेच सकता है ना, चूरन बेचते हैं क्यों, अमूल चॉकलेट बेचते हैं कि नहीं बेचते, क्या ये सब कंपनी उनकी है, नहीं, क्यों बेचते हैं, क्यों बेचते हैं, बोलो ना। अरे जब इतने बड़े लोग पैसे के लिए घटिया सामान बेच सकते हैं तो हम छोटे लोग पैसे के लिए बढ़िया सामान क्यों नहीं बेच सकते, अपने को मनाओ। आम आदमी में क्या गड़बड़ होता है कि अमीर बनने का रास्ता ही उसको खराब लगता है, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तो नहीं बेचेंगे तो लोग आपको प्रधानमंत्री समझेंगे या फिर मुख्यमंत्री समझेंगे या फिर ये तारतल्ला का कलेक्टर समझेंगे, आप बेचेंगी नहीं तो आपको क्या समझेंगे, मुख्यमंत्री तुम्हारे यार वही समझेंगे, ये सिर्फ अपनी खोट है, जाती है खोट तब आते हैं नोट, बात को समझना, जब तक खोट नहीं जाएंगे तब तक नोट नहीं आएंगे। मेरा कहना है रिटेल कीजिए, और रिटेल करने के लिए थोड़ा सा जगाना होगा विल पावर। एक चीज और बोलना चाहता हूं, अगर सही में आरसीएम के सफल लीडर बनना चाहते तो लिख लीजिए कॉपी पर, सर मेरी अब अंकल पर गुस्सा मत होना, 2 साल के लिए बेशरम बनना पड़ेगा, क्या बनना पड़ेगा, बेशरम, बेशरम। निर्लज्जो, एकदम विशुद्ध हिंदी शब्द है, हम लोग हिंदी में भी निर्लज्ज होना, हमारी माँ टीचर रही है वो भी इस शब्द का इस्तेमाल करती, निर्लज्ज। अरे क्यों नहीं, हम किसी का ले रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं ले लो ना, ये इसको खाओ ना, इसको खाओ, एक बार मैडम खा लेगा ना कोई, उसके बाद आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट उसको खींचेगा, बोलेगा एक बार जाने भर की देरी है, उसके बाद शर्मिली को बोलने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट बोलेगा, यस और नो। तो ये रिटेल करो, रिटेल करो, मैं आपको बताता हूं, आप कहते हैं कि मैं ये हूं वो हूं, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान है, अरे सबसे बड़ा सम्मान तो इंडियन पार्लियामेंट देती है भारत रत्न के रूप में, जो सचिन तेंदुलकर को मिला है, यस और नो, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न का अवार्ड मिला है, और वो बंदा बेच लेता है ल्यूमिनस बैटरी, वो बंदा बेच लेता है वीजा कार्ड, हमको कौन कलकत्ता रत्न मिला, संतनु जी को लुंगी रत्न मिला है, नहीं मिला है, हम क्यों ना बेचे, जब भारत रत्न बेच सकता है तो हम क्यों ना बेचे, यस और नो। आप रिटेल करो, रिटेल करो, अभी अभी मैं बताने जा रहा हूँ, मस्त चीज बताऊंगा, मैं आप सभी लोगों की किस्मत की चाबी लेकर आया हूँ, और किस्मत की चाबी खुल जाएगी इसी अक्टूबर के महीने में, और 3 महीने लड़ लो, उसके बाद जीवन का एकदम फर्स्ट क्लास एंजॉय करो। तीसरी चीज क्या है, प्लान, प्लान, प्लान दीजिए, प्लान दीजिए। मान लीजिए कि हमारी शर्मिली बेटी को प्लान नहीं आता, जितने अच्छे से अभ्यास से बता दिए, शर्मिली को नहीं आता, तो नहीं आता, नहीं आता, जो आता वही दिखाओ, क्योंकि तुम जिसको प्लान दिखा रही हो उसको क्या पता कि आसिम क्या है, जो भी बोलोगी हाँ हाँ बोले, ठीक है, 50% पार्टनरशिप, हाँ ठीक है, अरे क्या है बोलो, अरे ये आपको लीडर बनाएगा, यस और नो, यस। और अगर प्लान फिर भी नहीं आता तो प्रोडक्ट बताओ, दो में तो कोई एक चीज बता सकती हूँ, प्रोडक्ट या प्लान, मैं कहता हूँ कैरियर और फ्यूचर बनाइए आईएएस बिजनेस में। आगे की बात मैं कहना चाहता हूँ, ये 3 काम जरूर करना, यूजर बनना है, क्या बनना है, यूजर, क्या बनना है, यूजर, सब लोग बनेंगे, यस, कितने लोग बनेंगे, हमारी बेटी बहुत अच्छी है, एक बार ताली बजा लीजिए अपने। दूसरा रिटेल करेंगे, कुछ ना कुछ बेचेंगे, कितने लोग तो क्या क्या बेच देंगे, कैसे, कितने लोग को रिस्पेक्ट बेच देते, सम्मान, क्या हम कुछ प्रोडक्ट नहीं बेच सकते,
रिटेलर बनी। कहते हैं सेल्समैनशिप क्वालिटी जिसके अंदर आ जाती वो कभी गरीब नहीं रहता। बड़ा सेल्समैन बड़ा अमीर, छोटा सेल्समैन छोटा अमीर, लेकिन सेल्समैन कभी गरीब नहीं होता। हाथ देना यस तो बनेगी। हाँ वेरी गुड। और सबसे पहले अगर सास लड़ती है तो उसी को सेल करो, प्रेम हो जाएगा। गुतरी से झगड़ा होता है उसी के पास जाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। जब आपके प्रभाव से जब प्रोडक्ट जाएगा तो रिलेशन भी बनेगा। ये बिजनेस रिलेशन भी क्रिएट करता है। और ये कुछ सिस्टम के साथ करना है, ऐसे नहीं करना, सिस्टम के साथ। वो सिस्टम मैं बताता हूँ, एक बार ताली बजाइए आप लोग। ये प्लान जो देना है वो प्लान कैसे देना है, थोड़ा सा एजुकेशनल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि आपको प्लान देना है वो कैसे देना है। सबसे पहला कि आपको 24 घंटा मिलता है जो भगवान जी देते हैं, पर जो बड़े सफल लोग हैं उनको भगवान जी 25 घंटा देते हैं, है ना? नहीं नहीं तो अच्छा, तो छोटा मोटा लोग को 23 घंटा देते हैं क्या, ऐसा है क्या? नहीं, सबको 24 घंटा देते, यानी भगवान जी पार्शियलिटी नहीं करते। कितनी अच्छी बात है मैडम ने कहा एकदम, ने वेरी गुड वेरी गुड, ये इंटरेस्टिंग। ये आपका दिल अगर कबूल कर रहा है इसका मतलब अब हिस्ट्री बनेगी कि भगवान जी कभी कोई पार्शियलिटी नहीं करते। सबको 24 घंटे दिए, सबके लिए एक ही सूरज दिए, सबके लिए एक ही चंद्रमा दिए, सबके लिए एक ही वायुमंडल दिए, सबके लिए एक ही व्यवस्था दिए, सबके लिए एक ही गंगा नदी पहाड़ प्रकृति दिए, सबके लिए एक ही त्योहार दिए, सबके लिए एक ही सब कुछ दिया, तो फिर डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन क्यों आता? अच्छा एक चीज